दोस्तों, सिनेमा की दुनिया में जब भी महान अदाकारों की बात होती है तो एक नाम जो हमेशा दिलों में राज करता है वो है हीमन धर्मेंद्र। साहस, जुनून और हिम्मत का दूसरा नाम। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस चमकते सितारे के पीछे कितनी धुंधली कहानियां छिपी हैं? संघर्ष की ऐसी दास्तानें जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और आज मैं आपको ले चलूंगा उस सफर पर जहां एक छोटे से गांव से निकलकर धर्मेंद्र ने सुपरस्टारडम की बुलंदियों को छुआ। ये कहानी है संघर्ष, सपनों और सपनों को पाने की जिद की। तो चलिए दोस्तों, इस सफर की शुरुआत करते हैं जहां हर मोड़ पर है रोमांच और हर कदम पर है संघर्ष। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के फगवाड़ा जिले के नसराई गाँव में हुआ था। उनका असली नाम धर्म सिंह देओल था। गांव के छोटे से घर में पले बड़े धर्मेंद्र के पास बचपन में न कोई बड़ा सपना था और न ही कोई साधन। उनके पिता स्कूल टीचर थे और परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। दोस्तों, कहते हैं कि जहां जज्बा हो वहां राहें खुद ब खुद बन जाती हैं। धर्मेंद्र के सपनों ने भले ही तंगहाली के आंगन में जन्म लिया हो लेकिन उनकी उड़ान आसमान तक पहुँचने वाली थी। धर्मेंद्र को फिल्मों का शौक बचपन से था। वो अपने दोस्तों के साथ सिनेमा हॉल में जाकर फिल्में देखते और दिल में एक सपना पालते, एक दिन वो भी बड़े पर्दे पर दिखेंगे। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। उन दिनों फिल्मों में जगह पाना किसी जंग से कम नहीं था, खासकर जब आपकी जेब खाली हो और कोई गॉडफादर न हो। फिल्मों की दुनिया में हर स्टार एक मशाल होता है, लेकिन इस मशाल को जलाने के लिए तपना पड़ता है संघर्ष की आग में। धर्मेंद्र ने मुंबई की ओर रुख किया बिना किसी उम्मीद के। जेब में सिर्फ चंद रुपए और दिल में लाखों सपने। यहाँ उन्हें पहला ब्रेक मिला फिल्मफेयर न्यू टैलेंट हंट से, और बस यही से शुरू हुआ उनका असली सफर। लेकिन दोस्तों, सफर में कांटे भी कम नहीं थे। शुरुआती दिनों में धर्मेंद्र ने छोटे मोटे रोल किए लेकिन उन्हें वो पहचान नहीं मिल पा रही थी। उनकी मेहनत का फल उन्हें साल 1960 में मिला जब उन्हें दिल भी तेरा हम भी तेरे में मुख्य भूमिका मिली। अरे भाई साहब, सपने वही होते हैं जो सोने नहीं देते, और धर्मेंद्र ने इसी नीनत को अपनी मंजिल बना लिया। धर्मेंद्र की कड़ी मेहनत और संघर्ष ने आखिरकार रंग लाया। उनके चार्म, माचो लुक और दमदार एक्टिंग ने उन्हें हीमन का खिताब दिलवाया। लेकिन उनकी जिंदगी में उतार चढ़ाव भी कम नहीं थे। शोले जैसी सुपरहिट फिल्में देने के बाद भी धर्मेंद्र हमेशा एक सहज और सरल इंसान रहे। उनका विनम्र स्वभाव उन्हें बॉलीवुड का आम आदमी बनाए रखता था। अरे वाह, जिस आदमी की मांसपेशियां जितनी मजबूत थी, दिल उतना ही मुलायम। दोस्ती निभाने में दिलदार और मेहनत करने में एक मिसाल। जहां एक तरफ धर्मेंद्र का करियर आसमान छू रहा था, वहीं दूसरी ओर उनकी निजी जिंदगी में भी कई मोड़ आए। दो शादियां, पहली प्रकाश कौर से और फिर बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी से। हालांकि उनकी जिंदगी के ये पहलू भी बहुत कुछ सिखाते हैं। एक आम इंसान की तरह उनकी भी चुनौतियां थी और उन्होंने हर एक को डटकर सामना किया। धर्मेंद्र साहब का दिल दरिया दर्द की गहराई में भी डूबा, पर सतह पर हर बार हिम्मत के साथ उभरा। तो दोस्तों, ये थी धर्मेंद्र जी की वो अनसुनी कहानी जो हमें सिखाती है कि सपने देखने वालों को खुदा भी सलाम करता है। संघर्ष का रास्ता चाहे कितना भी मुश्किल हो, लेकिन अगर दिल में सच्ची लगन हो तो हर मंजिल आसान हो जाती है। धर्मेंद्र आज भी हमारे दिलों में जिंदा है और उनकी ये कहानी हमें हर दिन कुछ नया सिखाती है। जो पत्थर को चीरकर रास्ते बनाता है, वही सितारों में अपनी जगह पाता है। धर्मेंद्र की जिंदगी उसी चट्टान जैसी है जिसने सब कुछ पार कर लिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में बताएं कि आप अगली कहानी किस सितारे की सुनना चाहेंगे। दोस्तों, मिलते हैं एक और अनकही दास्तान के साथ। तब तक के लिए प्यार, सम्मान और संघर्ष को सलाम।